हिंदू सेना और कामधेनु सेना के बैनर तले आज गौ रक्षकों ने लगातार हो रही गायों की मौत पर राहत की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गौ रक्षकों का कहना है कि गायों की लगातार लंपी बीमारी के कारण मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही उन्होंने 7 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें बताया गया कि गौ रक्षकों को गायों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जिससे कि वह इस तरह की बीमारियों और अन्य कारणों से घायल होने वाली गायों की रक्षा कर सके। गौ रक्षकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे कि उन्हें परेशान न किया जाए और गायों की रक्षा की जाए। गौ माता को लेके आज पूरे प्रदेश में जो लंपी बीमारी हो रखी है, विकराल रूप ले चुकी है, और हमारे पूरे राजस्थान में 7 मुद्दों पे विशेष रूप से चर्चाएं की जा रही है। पहला मुद्दा है हाईवे पे, जो हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है उसको लेके प्रशासन सख्त नहीं है। अजमेर ज़िले में मात्र 1 एम्बुलेंस चल रही है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। हमारा सेकंड मुद्दा एम्बुलेंस को लेकर है। तीसरा मुद्दा टोल नाकों पे जो गौ तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है, पुलिसकर्मी, पुलिस सहायक, SP अधिकारी के, रेंज अधिकारी के ऑफिसर्स इसके ऊपर लिपापोती का प्रोग्राम रखते हैं, और गौ रक्षकों को हर दिन तानाशाही की सहन करनी पड़ रही है। गौ रक्षकों को आए दिन उनके ऊपर केस नहीं दर्ज हो रहे हैं, और गौ हत्या इतनी बढ़ चुकी है कि जिसका नामो निशान नहीं है। और तत्कालीन चल रही जो हमारे, हम सबसे मेन मुद्दा हमारा जो है, गौ रक्षकों को हम प्रशिक्षण के लिए सरकार कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे कि गौ रक्षक अपनी रक्षा के साथ साथ और गौ माता की हारी बीमारी को भी उसको हैंडल कर सके। कामधेनु सेना, अजमेर, प्रदीप व्यास, जिला अध्यक्ष।